योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान कहकर खेद जता रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में उन्होंने डॉक्टरों पर कथित तौर पर टिप्पणी की है। डेली बज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। तो आखिर इस वीडियो में बाबा रामदेव ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। वीडियो में बाबा रामदेव योग कर रहे हैं, साथ ही वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। बातचीत के दौरान बाबा रामदेव लोगों से कहते हैं कि 1000 डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाई, बावजूद इसके भी वो मर गए। जो अपने आप को बचा नहीं पाए वो कैसी डॉक्टरी। वीडियो की शुरुआत में बाबा रामदेव डॉक्टरों की खिल्ली उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव अपने साथ योग कर रहे लोगों से कहते हैं, तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 बनना है डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कितने 1000 डॉक्टर कल का समाचार है। अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये कैसी डॉक्टरी। बाबा रामदेव यहीं पर नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव की तरह बने, जिसके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन फिर भी वो सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री विद डिग्निटी आई एम अ डॉक्टर। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर इस तरह का कोई बयान दिया हो। इससे पहले बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज को सुनाते हुए एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताया था। बाबा रामदेव के इस बयान पर IMA ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मेडिकल संगठनों ने बाबा रामदेव को नोटिस भी भेजा था। डॉक्टरों पर दिए गए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान और उनका मजाक उड़ाने को लेकर बाबा रामदेव एक बार फिर IMA के निशाने पर हैं। पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए IMA ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास BV ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की भी मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ता देख और बवाल बढ़ता देख बाबा रामदेव ने डॉक्टरों पर दिए अपने बयान को वापस ले लिया है। लेकिन डॉक्टरों को लेकर और एलोपैथी को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, इस तरह मजाक उड़ाना बाबा रामदेव को शोभा नहीं देता।